जब हमारे को बुखार हो जाता है तो ऐसे में शरीर में अकड़न होने लगती है, शरीर में हड़कल हो जाती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए मार्केट में एक ड्रग बहुत ज्यादा प्रचलन में है और डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि एक ओवर द काउंटर मेडिसिन भी है जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो मार्केट के अंदर ये ड्रग अवेलेबल है, इसका नाम है डोलो 650 mg टैबलेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम डोलो 650 mg टैबलेट का पूरा कंप्लीट जानकारी लेंगे, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां कहां पर काम करता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे प्रमुख बात, जब इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि जो ये हमारा डोलो 650 mg टैबलेट है, इसका जो सॉल्ट कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर पैरासिटामोल होता है 650 mg, और अगर हम बात करें इसके सिनोनियम की तो इसको हम जो है पैरासिटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। जो ये डोलो 650 mg टैबलेट है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। मतलब कि जो एक प्रोडक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिंस का हमारे बॉडी के अंदर, एक केमिकल होता है स्पेशली ब्रेन में, तो ये उसके प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे फीवर, स्वेलिंग या जो कुछ सेंसेशन होती है पेन की, उनसे जो है बेसिकली डील करता है। तो ये उनको ठीक करने में मदद करता है। मतलब एंटीपायरेटिक है तो हमारे बुखार को ठीक करने में मदद करेगा, फीवर को कम करेगा। एनाल्जेसिक है तो एक पेन किलर का काम करता है, दर्द को ठीक करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि ये इस्तेमाल कहां कहां पर हो सकता है। तो जब हमारे सर में दर्द होता है तब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बुखार हो जाता है तब इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों में दर्द है, माइग्रेन हो रहा है, सॉर थ्रोट है, गला हमारा पक गया है, गले में दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, तब इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थराइटिस, जो से हम कह देते हैं बाय, जोड़ों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, तब ले सकते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जब फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे जो दर्द होता है, उसमें भी काफी असरदार होता है ये एसिटामिनोफेन या फिर पैरासिटामोल। तो डोलो 650 mg टैबलेट को आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डोज क्या होनी चाहिए। डोलो 650 mg टैबलेट को दिन में 3 से 4 बार लेना होता है, यानी कि एक टैबलेट दिन में 3 से 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात में 4 बार है, तो एक एक टैबलेट आपको हर टाइम लेनी है, या फिर जो डॉक्टर आपको बताएगा आपको वही डोज लेनी है। डोज कम बताता है तो उतनी डोज रखिए, ज्यादा बताता है तो फिर आप उसके अनुसार डोज को लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जब आप इस दवा को लेंगे तो इसे चबाइएगा नहीं, इसको क्रश मत करिएगा और ना इसको तोड़िएगा, अन्यथा इसका असर नहीं होगा और ये काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं जो सबसे प्रमुख बात है हमारी आज की इस वीडियो की, कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए। जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इसका लेबल अच्छे से पढ़ लेंगे, ठंडी और सूखी जगह पर रखेंगे, कभी भी सनलाइट से एक्सपोज नहीं करेंगे, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जो डॉक्टर आपको डोज बताएगा इसकी, उससे ज्यादा डोज आपको नहीं रखनी है। तो आज के इस वीडियो में हमने डोलो 650 mg टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।